नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जिसमें सिग्नल का क्या करते हैं, इन्वर्जन, ठीक है, व्युत्क्रमण करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि इसमें एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, केवल एक ही निर्गत और एक ही निवेश मिलेगा। और इसको बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डायोड ने ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है। और इस नॉट गेट के प्रयोग से संकेतों का व्युत्क्रमण यानी ऑन का ऑफ और ऑफ का ऑन किया जाता है। कैसे करते हैं पूरा प्रोसेस इसका ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो नॉट गेट है क्या चीज़? इन्वर्जन। ये क्या है? इन्वर्जन ऑफ सिग्नल, संकेतों का व्युत्क्रमण। इसके बाद इसमें कितना इनपुट होता है? सिंगल इनपुट, सिंगल आउटपुट। और नेक्स्ट इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? बूलियन व्यंजक, पहला पॉइंट। इसका बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, नॉट ए इक्वल्स वाई। इसे ऐसे पढ़ेंगे, नॉट ए इक्वल्स y। सेकेंड पॉइंट, इसका सर्किट सिंबल क्या होता है? परिपथ प्रतीक। जो परिपथ प्रतीक है इसका, वो ऐसे बनाते हैं त्रिएंगल जैसा, और आगे एक यहाँ पर सर्किल बना देंगे। इसमें एक ही इनपुट होगा और इसके संगत एक केवल आउटपुट होगा। इसका नाम है नॉट। तो जहाँ कहीं भी सर्किट पे सिंबल बना होगा आप समझ जाएंगे वहाँ हमें नॉट लॉजिक यूज़ करना है। इसके बाद आता है इसका एनालॉग सर्किट। थर्ड पॉइंट, एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ की बात करें तो इसमें एक कुंजी जोड़ना है, एक बैटरी होगी, एक एलईडी होगी, इन तीनों को कंबाइन करना है। लेकिन ऐसा कंबाइन करना है कि जब स्विच को ऑन किया जाए तो एलईडी ऑफ हो जाए, और जब स्विच को ऑफ किया जाए तो एलईडी ऑन हो जाए। उल्टा जोड़ देंगे, वो घर का पट स्विच थोड़ी ना है कि उल्टा ऊपर का नीचे जोड़ दिए पंखा वाला। ये सर्किट है, यहाँ पे एनालॉग सर्किट बनाने के लिए मैकेनिकल टर्म यूज़ करते हैं। तो हमने एक सेल हमने यहाँ लगाया, ध्यान दीजिए कैसे जोड़ेंगे वो मैं पूरा आपको चित्र से समझा देता हूँ। एक सेल या बैटरी हो गई, इसके ठीक आउटपुट पे एक एलईडी ऐड करना है। ज़रूरी नहीं कि बार बार एलईडी यूज़ करो, आप इसकी जगह स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एलईडी मैंने यहाँ प्रयोग कर लिया है। इसके बाद अभी तो पूरी की पूरी सर्किट ऑन है, एलईडी भी ऑन है। हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे, जो कुंजी लगाने वाली बात है, कुंजी ऐसा लगाएंगे कि जैसे ही कुंजी को ऑन किया जाए सर्किट में से एलईडी ऑफ हो जाए। इसके लिए एक हैवी रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस आर, और इस तरीके से परिपथ को जोड़ते हैं। तो इसमें दो मेस बन जाता है, एक पैसिव मेस और एक एक्टिव मेस। तो ये एक्टिव मेस है और ये पैसिव मेस है। जब तक ये कुंजी ए ओपन है, जब तक ये कुंजी ए ओपन है, तब तक करंट फ्लो होकर एलईडी से होकर वापस आ रही है, चल रही है। जैसे ही स्विच को आप बंद करोगे, जो करंट एलईडी में जा रही थी वो करंट सीधा रेजिस्टेंस में आ जाएगी, और रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, विभव पतन, यहाँ विभवांतर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सेकेंड मेस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, और ऐसी स्थिति में एलईडी हो जाएगी ऑफ। तो ये है इसका एनालॉग परिपथ। और चौथा पॉइंट है, हमें इसका सत्यता सारणी बनाना होता है, ट्रूथ टेबल। जो सत्यता सारणी है उसे आप देखिए, अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो टेबल में जरूर समझ में आ जाएगा। ए नॉट ए, इसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। पहला केस लेते हैं, केस वन, जब ये कुंजी ओपन है। जब ये कुंजी क्या है? ओपन। तो ये कुंजी खुली हुई है, और अगर कुंजी खुली हुई है तो यहाँ प्रतिरोध में धारा का मान शून्य है, इसलिए विभव पतन भी प्रतिरोध के कारण क्या है? शून्य है।
और तब यहाँ कोई विभव पतन होगा नहीं, तो संपूर्ण विभवांतर जाके इस एलईडी के सिरों पर लगेगा और एलईडी हो जाएगी ऑन। अर्थात जब हमने यूज़ किया है बिट जीरो, तो इस बिट जीरो का नॉट वैल्यू क्या मिलेगा? वन, क्योंकि ये है एलईडी ऑन। नेक्स्ट है सेकेंड केस। हम मान लेते हैं कि ए की को क्लोज्ड कर दिया गया, बंद क्लोज्ड कर दिया गया। तो ये को अगर आप ऐसे क्लोज्ड करोगे तो जो करंट जा रही है, अब वो करंट किससे होकर गुजरेगी? रजिस्टर से। और इस प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन होगा, और जो ये 5 वोल्ट का वोल्टेज है वो इसके सिरों पर 5 वोल्ट का विभव पतन हो जाएगा। और अगर यहाँ 5 वोल्ट का विभव पतन हो गया तो एलईडी पर कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, तो ऐसे में एलईडी क्या रहेगी? ऑफ। तो अगर ये वन है बिट वन, तो बिट वन का नोटेड वैल्यू क्या है? जीरो। ये है इसकी सत्यता सारणी। तो ये नॉट गेट के इतने पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद है कि नॉट गेट को प्राप्त कैसे करते हैं। पहले इसे लिख लीजिए, फिर बताता हूँ कहाँ पे। नहीं, यहाँ जाएगा तब ना जब एक्सेस होगा ये, तो उतना हम रेजिस्टेंस लगा देंगे जितना कि 5 वोल्ट के विभव को। ये ट्रांजिस्टर है NPN, और इस NPN ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर वैनिस्ट उत्सर्जक कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में विन्यास कहते हैं। तो इस विन्यास का उपयोग करेंगे जिसमें इमिटर को हमें कॉमन करना है। तो ये हो गया बेस, और ये रहा इमिटर, और ये रहा कलेक्टर। हमें इस इमिटर को क्या करना है? कॉमन। कॉमन करने का मतलब इसे कर देना अर्थेन, अर्थ से जोड़ देना है। ठीक है, ये बन गया अर्थेन। हिंदी में क्या कहते हैं? भू संपर्कित, भू संपर्कन कहते हैं। तो ये इमिटर तो यहाँ पहुँच गया। जो बेस है इसको निवेशी पे रखेंगे। बेस को कहाँ रखा जाएगा? इनपुट पर। और इनपुट के लिए बैटरी का उपयोग करेंगे। वो बैटरी रहेगी 5 वोल्ट की, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देना, यानी अर्थ से जोड़ देना है। यह भी भू संपर्कित हो जाए, जिससे कि हमें सिर्फ प्लस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिले। ये है बेस, और बेस को यहाँ पर इनपुट पे रखा गया है। जो कलेक्टर है वो है सी। इस कलेक्टर को आउटपुट पे रखा जाएगा, यानी कलेक्टर पर हमें मिलेगा आउटपुट। परंतु इस कलेक्टर को एक उच्च प्रतिरोध से जोड़ना है, जिसका नाम रहेगा RC। और इसके साथ साथ इसके लिए एक बैटरी भी लगानी है, और उतनी ही एनर्जी की बैटरी लगानी है जितने की यहाँ पे लगी हुई है, अर्थात 5 वोल्ट की। प्लस 5 वोल्ट इसके नेगेटिव टर्मिनल को क्या करना है? ग्राउंड कर देना। चाहे ऐसे करो, चाहे यहीं पे ऐसे आप बना दो चित्र में ऐसे, इसका मतलब है कि ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, अर्थात अर्थ से जोड़ दिया गया है। ये अर्थ हो गया, वो संपर्कित हो गया। तो निगेटिव वोल्टेज 0 हो गया, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा केवल। और ये आउटपुट के लिए रेजिस्टेंस R है। इसके बाद बना लीजिए इस चित्र को। एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देंगे B के लिए, इसका नाम रखेंगे RB। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ऐसे नॉट शेप में घेर देंगे, ऐसे यहाँ से लाके ऐसे मिला देते हैं, और यहाँ से लाके मिला देते हैं। और यहाँ पे सर्किल रहेगी, ये आउटपुट है Y।
अर्थ एंड है, ये वाई है। इस पूरे को बना लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं कि कौन किस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। वाई ये कॉमन इमिटर का है ना, सो यहाँ पे ये करंट इमिटर से होकर जाएगी। इसमें दो केस बनेगा, केस वन यहाँ लिख दे रहे हैं कि इसको मिटा दें, इमिटर को होकर के जाएगी, ठीक है। इसमें से दो केस जो बनते हैं उनमें से फर्स्ट केस है, मान लीजिए कि जो टर्मिनल ए है, इस टर्मिनल ए को हमने क्या करना है, ग्राउंड, यानी जो इनपुट है, इनपुट इसको कहाँ जोड़ देना है, ग्राउंड से, यानी अर्थेन कर देना है ऐसे। सो ऐसे में ए अगर अर्थड हो गया तब ये जो बेस में करंट है वो क्या होगी, जीरो। इमिटर में करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और इस कलेक्टर में भी करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सो आई ई की वैल्यू भी हो जाएगी जीरो। इस स्टेट को बोलते हैं कट ऑफ मोड, क्या बोलते हैं, कट ऑफ मोड, यानी ये ट्रांजिस्टर इस समय किस मोड में है, कट ऑफ मोड में है। और जब ये कट ऑफ मोड में होता है तब ऐसे में कोई करंट इस ट्रांजिस्टर से पास आउट नहीं होगी। अगर कोई करंट पास आउट नहीं होगी तो ये जो सिरा सी आप देख रहे हो वो कितने वोल्ट पर रहेगा, 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई करंट ही नहीं है। सो ऐसे में सी के लिए वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, 5 वोल्ट। और यही तो आउटपुट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इनपुट किया है जीरो तो आउटपुट क्या आया है, 1। और सेकंड केस इसका है कि ए को रखते हैं 5 वोल्ट पर, ठीक है। ये जो ए टर्मिनल है इसको कहाँ रखा गया, 5 वोल्ट पे। जैसे ही इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, 5 वोल्ट से कनेक्ट करोगे आप, तो इस रेजिस्टेंस में से होकर करंट फ्लो होगी, यानी बेस में भी करंट होगी, इमिटर में भी करंट होगी, और इस कलेक्टर में भी क्या होगी, करंट होगी। यानी तब आई ई, आई बी एंड आई सी में धारा होगी। जो धारा होगी इसमें एक शर्त है कि उत्सर्जक की धारा संग्राहक से क्या होगी, ज़्यादा। जो उत्सर्जक की धारा, सॉरी, संग्राहक की धारा कलेक्टर की, वो इस उत्सर्जक से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। इस अवस्था को बोलते हैं सैचुरेशन मोड, क्या कहते हैं, सैचुरेशन मोड। और ये ट्रांजिस्टर इस समय किस मोड में हो जाता है, सैचुरेशन मोड में। अब जब सैचुरेशन मोड में होगा तो पूरे ट्रांजिस्टर में करंट हमको मिलेगी, और जब करंट यहाँ होगी, यहाँ मान लो करंट आईसी है, तो करंट का रेजिस्टेंस के साथ गुणा करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। और ये वोल्टेज ड्रॉप कितने वोल्ट का होगा, सो ऐसे में हमको इस रेजिस्टेंस के सिरों का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना मिला, 5 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा हमें, जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस 5 वोल्ट दिख रहा था वो इस रेजिस्टेंस द्वारा क्या किया गया, कंज्यूम कर लिया गया है। सो वी हैव अ नो पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट सी। सो यहाँ पर बी सी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, यानी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो गई जीरो। सो यहाँ जब हमने कहा इनपुट की वैल्यू क्या है, बिट 1, तो आउटपुट हमें क्या मिला, जीरो। यही दोनों केस है जो इस नॉट गेट में यूज़ किए जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर के दो मोड का प्रयोग किया जाता है, एक कट ऑफ मोड में और एक